मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। विश्व के अन्याय अनीति को मिटाने के लिए, अराजकता अपराध वृत्ति को मिटाने के लिए कोर्ट्स हुआ करते हैं, कचहरी कहते हैं उसे। मैं प्रॉपर वर्ड न्यायालय इसलिए नहीं कह रहा हूँ उसको, क्योंकि अभी मुझे उसका खंडन करना है। आप लोगों ने गौर किया होगा, जहाँ पर जज बैठता है, जज के आई थिंक राइट साइड में एक मूर्ति होती है, आँखों पर पट्टी बांधी हुई। मैंने कभी जिक्र किया होगा आप लोगों को, उसे अंधा कानून कहते हैं। अंधा कानून का तात्पर्य ये होता है, ये जो काली पट्टी बांधी है वो किसी भी हवा के झोंके से सरक नहीं सकती। आई मीन टू से, कोई भी आकर कानून को खरीद नहीं सकता। कोई भी चाहे, हम पैसे के बल पर पीएम का लड़का भी, प्रेसिडेंट का लड़का भी यदि कोई अपराध करे तो ही विल हैव टू अंडरगो सेंटेंसमेंट। ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर वजन को देखकर, उसके कोई पोस्ट को देखकर ढिलास वर्तेगा, ऐसा नहीं है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हुमसोएवर इट बिलोंग्स टू, कोर्ट ये कहता है ऐसा किया है तो उसको ये सजा मिलेगी। उसको कहते हैं अंधा कानून। लॉ एंड ऑर्डर हमारा तय है, कोई भी व्यक्ति हो। बट आज के तारीख में यदि हम स्टडी करते हैं थोड़ा सा, सबसे पोल्यूटेड, सबसे करप्टेड ये कोर्ट सिस्टम है, जिसको जुडिशियरी सिस्टम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा करप्ट आपको मिलेगा आज के तारीख में। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, देयरफॉर आई एम हेजिटेटिंग टू कॉल दिस थिंग एज अ न्यायालय। मैं तो ये कहता हूँ ये तो कानूनालय है जो खरीदा जा सकता है, किसी की सिफारिश से प्रभावित हो जाता है और वो मेजॉरिटी पर रन करता है। आदमी ने ही बनाया है और चलाने वाला भी आदमी ही है उसको। देयरफॉर इट गेट्स अफेक्टेड एवरी नाउ एंड देन, मेजॉरिटी के आधार पर वो चलता है। बट जो लोकोत्तर न्यायालय है, जो संविधान है, कर्म फिलोसॉफी कहो, पुण्य पाप की विचित्रता का जो संविधान है, ये मैन मेड नहीं है और मेजॉरिटी के बल पर भी ये टिकता नहीं है। इसमें कानून, लॉ एंड ऑर्डर चेंज नहीं होता। जैसा वस्तु का स्वरूप है, वस्तु स्वातंत्र्य है तो है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कोर्ट में इस बात पर तो बहस हो सकती है कि शक्कर का दाम, शक्कर का भाव 40 नहीं 50 करिए। मेजॉरिटी जब कहने लग जाए, 10-20 किसान आत्महत्या करने लग जाए, तो गवर्नमेंट भी कहते हैं ठीक है, हम थोड़ा सा उस भाव को बढ़ा सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में कभी इस बात पर बहस नहीं हो सकती। मैंने कई दफ़े कहा आपको, क्या बोलिए कि शक्कर का भाव मिठास से हटाकर तिखास किया जाए, इस बात पर बहस नहीं हो सकती। इसको मैं कहता हूँ ये लोकोत्तर कानून है। लोकोत्तर न्यायालय की बात कर रहा हूँ। काफ़ी सारी बातें पूर्व कक्षा में हमने देखी थी, कर्म संबंधी कोई अलग कक्षाएं चले तो उस पर और विचारणीय पहलू हो सकते हैं। अभी जितना रेस्ट्रिक्टेड हमको चर्चा है उतने हम कर रहे हैं। आबादा काल में मैंने सुबह जमानत का उदाहरण देते हुए बात को बताया था। आपके ज्ञान में है ये, अच्छे से ख्याल में है, अच्छे से बोलो आप, हाँ या ना? हाँ। तो मैंने कहा था कि उसमें एक अवसर है उसको इम्प्रूवमेंट का, व्हेन रिलीज्ड ऑन बेल।
मैंने और एक बात कहना भूल गए, लेकिन बेल के टाइम में वो कुछ गड़बड़ कर जाए, जमानत में यदि कुछ गड़बड़ कर जाए तो फिर उसको एक्सक्यूज नहीं होता, फिर उसको दुगुनी सजा होती है, फिर चाहे जो कुछ हो जाए। ठीक उसी प्रकार हम समझ सकते हैं आबादा काल जो दिया गया है वो कितना बताया था मैंने, एक कोड़ा कोड़ी सागर को 100 वर्ष। लेकिन अंत कोड़ा कोड़ी सागर यदि स्थिति बंद हुआ हो, इस बात का मैंने खुलासा नहीं किया सुबह, अंत कोड़ा कोड़ी सागर का यदि स्थिति बंद हुआ हो तो उसका आबादा काल होता है अंतर्मुहूर्त। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं फिर से उस बात को थोड़ा, इस बात की तरफ मैं फिर से आऊँगा, मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। एंड इन केस ऑफ उदीर्णा, एक अवली के बाद भी वो कर्म उदय में आ सकता है, जो अभी बांधा है वो एक अवली के बाद भी उदय में आ सकता है उदीर्णा के केस में। और उदय के केस में अंत कोड़ा कोड़ी सागर होगा तब तो फिर अंतर्मुहूर्त में वो उदय में आ सकता है। मैं आयु की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आयु का आबाधा काल बची हुई बुद्धिमान आयु हुआ करता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? आयु का आबाधा काल, बुद्धिमान आयु का आबाधा काल, यह बची हुई बुद्धिमान आयु प्रमाण हुआ करता है। आयु का एक एक फंडा वो हटकर है, सातों कर्मों के सातों मैच नहीं खाता। आइए थोड़ा, मैं अभी अभी कुछ कह रहा था, फिर आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा, अभी नई बात लगेगी, लेकिन मैं फैक्ट की कुछ बात कहता हूँ आपको। मैंने अभी अभी कहा जिनकी स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर हुआ करती है उनकी आबादा काल कितनी कही मैंने? अंतर्मुहूर्त। वैसे मैं आपको पूछता हूँ, तीर्थंकर प्रकृति की क्या स्थिति होती है? तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति क्या होती है? अंत कोड़ा कोड़ी सागर। क्यों? क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि ही उसका बंद करता है, और सम्यक दृष्टि को सभी कर्म की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर ही हुआ करती है। अभी नाउ अंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दृष्टि ने बांध दी, उसको कब उदय में आएगी? वो कब उदय में आएगी? अंतर्मुहूर्त बाद ही आती है। रूल है ये, रूल। इसका मतलब ये है जब तीर्थंकर प्रकृति श्रेणिक ने बांधी थी उसके अंतर्मुहूर्त बाद उसको तीर्थंकर प्रकृति उदय में आने लग गई है। जो हम ये कहते हैं 13वें 14वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, वो एक है कथन, है प्रचलित कथन है, बट एकदम सूक्ष्मता से वर्णन किया जाए तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आज भी चल रहा है उस श्रेणी के जीव को, नारकी को, बंद भी कर रहा है और उदय भी उसका हो रहा है। बट वह तीर्थंकर प्रकृति का उदय परमुख से होता है। अगेन लेट आई रिपीट, परमुख से होता है मतलब नाम कर्म की जो अन्य अन्य प्रशस्त प्रकृतियां है उन रूप संक्रमित होकर वो उदय में आती है तीर्थंकर प्रकृति, स्तिवुक संक्रमण ऐसा इसको कहते हैं। एनीवे आज का तो लास्ट पीरियड है कर्णन योग का, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी आपको लगता होगा, इवन देन आपको उसको समझना चाहिए। आज और भी बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा चलेगी, कल से तो ये कर्णन योग की कोई क्लिष्टता ऐसी रहेगी नहीं। हालांकि क्लिष्टता तो मुझे कुछ भी नहीं लगती, मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको यदि लग रहा हो तो फिर मैंने आपको बोला ये। तीर्थंकर प्रकृति अंतर्मुहूर्त में ही उदय में आना चालू होती है, बट वह स्वमुख से उदय में नहीं आती, वह परमुख से उदय में आती है, वह अन्य अन्य प्रकृति रूप संक्रमित होकर आती है जिसे स्तिवुक संक्रमण कहते हैं। और 13वें 14वें गुण स्थान में स्वमुख उदय उसका होता है जिसको हम कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो रहा है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? और तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान ही में नहीं होता, 14वें में भी होता है जब उनकी देशना नहीं कीर्ति और ना ही समुशरण उनका रहता है। ये आप समझ गए होंगे। आइए पेज नंबर 30 पर हम एक पैराग्राफ बहुत रैपिडली रीड आउट करते हैं जिसका स्पष्टीकरण सुबह हो चुका है। कर्मत्व पने के नास्ति होने के पीछे वो परमाणु उसी स्कंद में रहे या अलग हो जाए, स्पष्टीकरण पूर्व कक्षा में हो चुका है। अलग हो जाए कुछ प्रयोजन नहीं रहता। यह इतना जानना कि इस जीव को
प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं, वह एक समय में बंधे हुए परमाणु आबादा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं। समझ में आता है आपको? लिसन एवरीवन, लिसन लिसन। एक मान के चलो एक क्लस्टर, एक स्टैक, जैसे एक स्कंद आकर बंधा, कर्मण वर्गणा है, मान के चलो 100 थी उसमें 100। तो एक कलेक्टिवली बोला जाता है इनकी स्थिति इतनी, कलेक्टिवली बोला जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको क्योंकि जरूरी नहीं है आबादा काल पूरा होने के बाद एक 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 परमाणु खिरना चालू हो जाते हैं। इससे ये जरूरी नहीं है, मतलब स्टैक का जो स्थिति कही हमने वो स्थिति फाइनल परमाणु के खिरने की है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? स्थिति मतलब ऐसा नहीं है कि सबके सब परमाणु उतने काल के लिए जुड़े रहेंगे, एटलीस्ट एक भी रहेगा तो वो स्थिति के दायरे में आ जाएगा वो, लेकिन तब तक कुछ ना कुछ परमाणु आखिर तक बने रहेंगे जब तक उसकी स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। यह इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं, वह एक समय में बंधे हुए परमाणु आबादा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं, तथा बहुत समय में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य है वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। आप समझ रहे ना? मतलब मैं सुबह एक उदाहरण दे रहा था निषेक रचना क्रम का, और मैंने कहा था मे इट बी पुण्य मे इट बी पाप ऑल्सो, वो आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट हम लोक में ऐसा भी ऑब्जर्व करते हैं, इसके पाप का उदय कल कम था आज तो बढ़ गया है, पुण्य का उदय कल कम था आज तो बढ़ गया है। हाउ इज इट दैट? क्योंकि उस समय में नेक समय पबद्धा, अभी मैं उसको खुलासा करने वाला हूँ 5 मिनट में, अनेक समय में बांधे हुए कर्म एक साथ आकर खिर जाते हैं, देयरफॉर ऐसा देखने में आता है। हम ऐसा मेकआउट नहीं कर सकते देखकर कि पर्टिकुलर कर्म का ही होगा, ऐसा हम तो बाहर से कुछ भी नहीं समझते हैं। आइए, उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। समझ में आता है? जैसे दो 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 अनुभाग वाले कई परमाणु जुड़ जाए, 10 परमाणु जुड़ जाए तो एक साथ उदय में आएगा तो 20 अनुभाग के साथ आएगा। कितने जन फॉलो करते हैं? सिंपल है। तथा अनेक समय में बंधे परमाणु बंद समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। लास्ट 2-3 लाइन का खुलासा मैं करूंगा, अभी जितना अपना टाइम बचा है आधा घंटा मैं केवल 3 लाइन्स पर चर्चा करूंगा। थोड़ा गौर करना क्योंकि ये 3 लाइन्स भारी जाती है समझने को। वैसे गोमटसार कर्मकांड की गाथा नंबर 5, गोमटसार कर्मकांड अध्याय 1, 5वीं गाथा का पूरा भाव यह से पंडित जी साहब इन 3 लाइन्स में खोल रहे हैं। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेरी तरफ देखिए। अभी मैं कुछ टर्म्स भी अभी आपको बताता हूँ। एक समय में जीव जितने परमाणुओं को ग्रहण करता है उसको हमने क्या कहा? उसको क्या कहा? क्या कहा हमने? बोलो एक जन तो बोला अच्छे से, क्या किया जाए? सबको प्रदेश बंद, ऐसा मैं कहता आ रहा हूं। ओके, आगे बढ़ता हूं। संख्या में यदि कहना हो तो क्या कहते हैं हम? अनंत है ये परमाणु। कितने हैं? अनंत है। उसका एक शास्त्रीय शब्द है प्रॉपर, उसे कहते हैं समय प्रबद्ध। क्या कहते हैं? समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध मीन्स एक समय में प्रकृष्ट रूप से बंधे जाने वाले कर्म परमाणु, उसे कहते हैं एक समय प्रबद्ध, और ये होते हैं संख्या में अनंत। लेकिन सांकेतिक संज्ञा है इनकी एक समय प्रबद्ध, एक समय में बंधने वाले कर्म संख्या में होते हुए अनंत। कितने अनंत? लेट्स सी। अनंत के वैसे तो अनंत भेद है। क्या कहा? इतना तो आप समझते हैं ना ये रूल्स। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कुछ, जैसे मैं कहूं मेरे प्रवचन में सैकड़ों जन आए थे, तो सैकड़ों जन आए थे का क्या तात्पर्य है? सैकड़ों जन मतलब 100 भी हो सकते हैं और 999 भी हो सकते हैं।
सैकड़ों के कितने भेद हो गए कुल? 999-100 वो क्या फिगर आएगी? 899 899 भेद है सैकड़ों के, मतलब सैकड़ों के सैकड़ों भेद हो गए। इसी न्याय से हजारों के हजारों भेद होंगे, लाखों के लाखों भेद, एंड सो ऑन, असंख्यात के असंख्यात भेद और अनंत के अनंतों भेद। तो हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है, हम कहते हैं असंख्यात प्रदेशी, बट विच असंख्यात के लिए हम क्या कहते हैं? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, कन्फाइन किया विच असंख्यात। ठीक उसी प्रकार एक समय में बंधे जाने वाले कर्म एक समय प्रबद्ध, वे है अनंत। कितने अनंत? तो उसको डिफाइन किया पांचवी गाथा में वहां पर, सिद्ध राशि के अनंत वे भाग और अभव्य राशि के अनंत गुणा। गेटिंग? क्या कहा? अभव्य भी कितने हैं संख्या में? अनंत। सिद्ध भी कितने हैं संख्या में? अनंत। तो यहां पर यह कहा जा रहा है सिद्ध राशि के अनंत वे भाग और अभव्य राशि के अनंत गुणा, ये जो संख्या आएगी अनंत की, वह है एक समय प्रबद्ध, और हरेक जीव प्रत्येक समय में एक समय प्रबद्ध परमाणुओं को ग्रहण कर रहा है। हरेक जीव मतलब कौन सा जीव? कौन सा जीव? हरेक जीव मतलब कौन सा? पहले से बोलिए, पहले से लेकर 13वें स्थान तक जहां तक आश्रय होता है सर्वत्र यही रूल लागू होगा। आगे बढ़ते हैं। इनपुट हमने नक्की किया, इनपुट कितना है? एक समय प्रबद्ध। आप एक बक्सा बना सकते हैं, बक्सा बॉक्स, और बॉक्स बनाकर लेफ्ट इनपुट आपको करना है एक समय प्रबद्ध। अबे आउटपुट को देखते हैं हम, एंड आउटपुट इज ऑल्सो एक समय प्रबद्ध। निगोदी हो केवली हो, योगी हो भोगी हो, आउटपुट कितना? आउटपुट भी एक समय प्रबद्ध बताया जा रहा है। एक समय प्रबद्ध मतलब अगेन द सेम थिंग, सिद्ध राशि के अनंत वे भाग और अभव्य राशि के अनंत गुना। ऐसा कहा कौन से गुणस्थान में होता है? यह भी पहले से लेकर 13वें गुणस्थान तक चलता है। समझ में आ रहा है सबको? मतलब नो चेंज, पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक जितने आते हैं उतने ही बाहर निकलते हैं, समय प्रबद्ध मात्र। एवरीवन इज गेटिंग? कुछ विशेष बात कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान देना, होमवर्क आप सबको, आप पांचवी गाथा को देख कर आना, गोमटसार कर्मकांड अध्याय 1 होमवर्क है आप सबको। चलो मैं थोड़ा सा ये कह रहा था, हमने एक बात देखी थी, आपको याद होगा कि जो इनकमिंग फ्लो है, आश्रव है, प्रदेश बंद है, वो डिफर भी करता है, और उसका डिफरेंस का क्राइटेरिया बताइए, डिफरेंस का क्राइटेरिया बोलो, योग की विपरीतता। योग की हीन अधिकता होगी तो प्रदेश बंद घटेगा बढ़ेगा, हमने देखा ना कल ही, योग से प्रदेश बंद पहला चार्ट हमने बनाया था, हमने यह बनाया था प्रदेश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योग, आपने देखा है वहां पर, प्रदेश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योग, मतलब योग बढ़ा तो प्रदेश बंद बढ़ेगा, योग घटेगा तो प्रदेश बंद घटेगा, ये पहला फॉर्मूला हमने बनाया था वहां पर, राइट। मैं आगे बढ़ता हूं, तो फिर इस रूल का क्या होगा फिर इसके साथ? कितने जन समझ रहे, टकराहट आ रही है, कितने जन मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, प्रश्न को बहुत अच्छे से, कौन समझ रहा है? अलोन इज अंडरस्टैंडिंग, और तुम समझ रहे हैं अच्छे से? अभी का मैं रिपीट करूं फिर से एक बार, मैं क्या कह रहा हूं मैं रिपीट करता हूं, आप ध्यान दीजिए अच्छे से, है ना, नहीं तो फिर पनिश करना पड़ेगा। फिर मैं ये कह रहा हूं आपको, यहां पर यह बोला जा रहा है, अभी मैं ये कह रहा हूं, पहले 13 गुणस्थानों में, पहला गुणस्थान वर्ती हुआ तो केवली हो, सबका इनपुट उतना ही एक समय प्रबद्ध था। और मैं थोड़े टाइम पहले ये कह रहा था, 2-3 कक्षा पहले, कि एक इंद्रिय से ज्यादा आश्रय 2 इंद्रिय को होता है,
फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा संगी पंचेंद्रिय को ज्यादा आश्रय होता है, ऐसे मैं कह रहा था। और वहां पर तो मैं ये कह रहा था एक इंद्रिय से ज्यादा आश्रय अरहंतों को होता है, अरहंतों को ज्यादा प्रदेश बंद होता है एक इंद्रिय से भी, ऐसे मैं बोल रहा था। आपको टकराहट लग रही है दोनों कथनों में, और आज मैं ये कह रहा हूं समान ही आश्रय होता है सबको, टकराहट लग रही है। बस ये क्वेश्चन अराइज होना जरूरी था, अभी इसका सॉल्यूशन इतना भर है, टकराहट इसीलिए नहीं है क्योंकि इतना वेरिएशन होने पर भी, ये सब वेरिएशन होने पर भी निगुदी जितना प्रदेश बंद करता है अथवा केवली जितना करता है वो उतने ही इसमें रहता है, अपने वो मर्यादा में, उसकी उसी मर्यादा में, लिमिटेशन में रहता है। वो सिद्ध राशि के अनंतवा भाग और अभव्य राशि के अनंत गुना, ये जो दो फिगर्स है, ये दो फिगर्स एक्चुअली इसी दो फिगर के बीच में झूलता रहता है, जिसको एक समय प्रबद्ध संख्या संज्ञा मिलती है और एक समय प्रबद्ध संख्या भी कोई नियत नहीं है, इसके भी अनंत भेद है। अभी आप फॉलो कर रहे होंगे मुझे, अभी यहाँ पर चलिए थोड़ा आउटपुट की तरफ आइए। मैंने अभी ये कहा इनपुट सबका पहले से लेकर तेरहवें गुण स्थान तक एक समय प्रबद्ध है और वेरिएशन होता है, एंड वेरी किसको लेकर होता है, योग को लेकर वेरी होने पर भी वो विशिष्ट लिमिटेशन में ही बना रहता है, इसलिए सबका समान बताया गया है। सूक्ष्म अंतर होने पर भी स्थूल रूप से सभी एक समय प्रबद्ध ही है, ऊपर का और नीचे का लिमिट क्रॉस नहीं होता, एक समय प्रबद्ध की यही का यही अर्थ है, यही वैल्यू है। आउटपुट की तरफ आइए थोड़ा सा, आउटपुट में भी बड़ा अचंभा लग रहा है हमको, एक भोगी है सप्त व्यसनी शराब पी रहा है और कितने पाप कर रहा है, उसका भी आउटपुट उतना ही हो रहा है एक समय प्रबद्ध, और कोई योगी तपस्वी तपश्चरण कर रहा है और द्रव्यलिंगी नहीं भावलिंगी संत की मैं बात कर रहा हूँ, उसका भी आउटपुट एक समय प्रबद्ध ही बताया जा रहा है, तो हमें बड़ा अन्याय सा लग रहा है। लेकिन इसका भी अर्थ समझिए आप, ऐसा होने पर भी एक समय प्रबद्ध वहां पर भी समझना, वहां पर भी वैरी तो होगा, डिफरेंस तो होगा, लेकिन वो डिफरेंस भी उसी उसी के बीच में घूमता रहेगा, देयरफॉर उसको इक्वल बोला जा रहा है। लेकिन ऐसा होने पर भी हमारी पिपासा शांत नहीं हो रही अभी, क्योंकि हमको अभी भी यही लग रहा है इवन देन जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट है, तो फिर क्या फायदा। इसलिए मैं आपको ये कह रहा था जितनी ज़्यादा नोटें आई उससे ज़्यादा अमीर ऐसा नहीं हुआ करता, ज़्यादा कर्म आया मतलब घाटे में पड़ गए ऐसा नहीं, विचार ये करना है वो प्रकृति कौन सी है, स्थिति क्या है, अनुभाग क्या है। अभी एक नया रूल और समझ लीजिए आप, जितने कर्म आते हैं उतने कर्म जाते हैं। रूल समझने के पहले मैं पहले सॉल्यूशन आपको देता हूँ, फिर होता क्या है इनका, जब अरहंतों को भी ऐसा होता है तो फिर निर्वाण कैसे होगा। आखिर चौदहवें गुण स्थान क्या है, वेरिन देर इज नो इनपुट, चौदहवें गुण स्थान में कोई आश्रय नहीं होता, अयोग केवली, और वहां पर खिरना ही खिरना होता है, वहां पर सब खिर जाता है। अब समझ रहे हैं मेरी बात को, नो कर्म मैंने आपको दो तीन दिन पहले कहा था आहार वर्गणाओं का, सॉरी नो कर्म वर्गणाओं का जैसे ग्रहण करने का रूल बताया है, वैसा आहार ग्रहण करने आहार वर्गणाओं का भी समझना चाहिए, ऐसा बोल रहा था मैं, आपको ज्ञान में है। मैं ये कह रहा था कि आश्रय जो हम कहते कंपन को लेकर आश्रय होता है, आश्रय का अर्थ हम कर्मण वर्गणाओं का ग्रहण ऐसा समझते हैं, बट आपको उसमें आहार वर्गणाओं का ग्रहण भी समझना है, ये कह रहा था मैं, ज्ञान में है आपके, और वो भी एक समय प्रबद्ध मात्र ही आता रहता है जाता रहता है, इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा, थोड़ा फर्क, वो फर्क क्या है थोड़ा समझिए, फर्क इसमें आहार वर्गणाओं में इनपुट आउटपुट में बीच की लाइफ में समानता होने पर भी प्रारंभिक लाइफ में और लाइफ के एंड में थोड़ा फर्क पड़ता है। लाइफ के प्रारंभ में आउटपुट कहाँ से होगा, अभी बॉडी डेवलपमेंट चालू हुई है तो अभी तो इनपुट बहुत चाहिए, तो यहाँ पर तो इनपुट बहुत होता है आउटपुट लेस होता है, और जैसे बुढ़ापा आने लग जाए, बुढ़ापा आ जाए तो वहाँ पर आउटपुट ज़्यादा इनपुट घटता है, और मरण के समय में
ओनली आउटपुट हो जाता है, क्योंकि वहां पर देह का त्याग करना है और नया शरीर ग्रहण करेगा जिस समय में, वहां पर बल्क में ओनली इनपुट होता है। इतना मेजर डिफरेंस कर्मन वर्गणाओं के ग्रहण करने में है और आहार वर्गणाओं के ग्रहण करने में है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? आगे बढ़ता हूं मैं, अभी बॉक्स आप बना रहे होंगे सभी। अभी देखिए, समझने की बात यह है, जितना कर्म आता है उतना ही जाता है तेरे गुणस्थान तक, और ऐसा होने पर भी डेढ़ गुना स्टॉक में पड़ा रहता है। तो डब्बे में आप एक्यूमुलेशन लिखना है 1.5, ऐसा लिखना है, इनपुट एक्स एक समय प्रबद्ध, आउटपुट एक्स, वन एक्स स्टैंड फॉर वन समय प्रबद्ध, और बॉक्स में लिखना है आपको एक्यूमुलेशन 1.5x, सप्ताह में डेढ़ गुना पड़ा रहता है, ऐसा रूल है। मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाता हूँ, पहले आप जो नोट करना है नोट करिए, फिर मैं यहाँ से कुछ पढ़ के दिखाऊंगा, फिर अपन मैं विशेष खुलासा करूँगा उसका। पेज नंबर 28 की तीन लाइन्स मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसलिए योगो दो, सॉरी पेज नंबर 30 पर, इस प्रकार कर्मों की बंद उदय सत्तरूप अवस्था जानना, यहाँ तक एकदम सिंपल प्रकरण चल रहा था। अभी वैसे तीन लाइंस की भी चर्चा नहीं करनी है आपने को, दो ही लाइंस की चर्चा करनी है, दो से कम पौने दो लाइंस। वह प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। कितने जन समझ रहे हैं बात को? यह अरहंत अवस्था तक लगा लेना। मैंने हालांकि बहुत अच्छा सा खुलासा किया है ये जानकर, क्या आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई फील, जितना विद्वानों से कभी बातें होती है तो ऐसा मैं समझता हूँ 100 में से एक हद विद्वान इसका निरूपण कर सकेगा। मेरा रेशो बढ़ नहीं सकता यदि सर्वे करे तो, घट जरूर सकता है, इसलिए आई थॉट इसको थोड़ा खोला जाए। इतना समझ में, एक लाइन तो बहुत सरल थी, दूसरी लाइन देखे, डेढ़ गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में पड़ा रहता है। व्हाट इज दिस? मैंने आपको सिंपली ये कहा कि डेढ़ गुना सत्ता में पड़ा रहता है, लेकिन व्हाट दे आर टॉकिंग हियर, डेढ़ गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र। व्हाट इज डेढ़ गुण हानि? पहले अपन उसको समझते हैं थोड़ा सा, पहले कुछ अपन प्रकरण को थोड़ा समझते हैं, फिर इस टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझते हैं। हाउ इज इट दैट कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट एंड इवन देन 1.5 टाइम्स गेट्स अक्यूमुलेटेड? ये थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं लगता आपको? लगता है, बट नथिंग सरप्राइजिंग। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, क्या यहाँ पर आपने मंगलायतन में हर साल, मैं रफली बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानता, हर साल 20 जन आते हैं और 20 जन निकलकर चले जाते हैं, क्या ऐसा होने पर भी 100 जन की संख्या नहीं है? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 20 जन आते, 20 जन जाते, फिर भी 100 जन है। अभी किसी को ये कहे तो सब जितने आते उतने जाते, तो फिर इतने कैसे रहते? तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ऐसा होता है। वो कैसा होता है थोड़ा बताते हैं थोड़ा, लेकिन यहाँ पर ये कैसे हुआ मंगलायतन में? तो इसलिए हुआ क्योंकि पहले 4 साल कोई आउटपुट नहीं था, देयरफॉर आपको ये फिगर देखने को मिल रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कर्म में ऐसा कैसे होगा थोड़े देखिए। कर्म में दो कारणों से ऐसा होता है, एक तो आवादा काल और निषेक रचना क्रम, दो के कारण ऐसा ये सिस्टम बन जाता है, 1.5 टाइम्स एक्यूमुलेट हो जाता है। आप फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? अगेन लेट आई इलुस्ट्रेट विथ सम नाइस एग्जाम्पल। हम टंकी लीजिए, एक टंकी लीजिए 50 लीटर की, इमेजिन करिए, और 50 लीटर की टंकी को क्या करिए आप, एक ऊपर इनपुट एक पाइप डालिए, 2 सेंटीमीटर डायमीटर का लीजिए पाइप, सब समझ रहे हैं आप मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स, और एक क्या करिए आप उस जो टैंक है उस टैंक को भी बराबर 2 सेंटीमीटर का डायमीटर वाला टैप निकाल लीजिए आउटपुट। अभी द सेम मोमेंट यू स्टार्ट द टैप अबव, जो इनपुट चालू किया उसी समय में यहाँ पर भी टैप चालू करके छोड़िए आप, ओके? आपका क्या ख्याल है, टैंक भरेगा? भरेगा भरेगा। यदि इतना समझ गए होंगे आप कि टैंक भर जाता है,
तो फिर आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है. हाउ इज इट दैट वो टैंक भर जाता है? दो कारणों से भरता है. क्योंकि वो जो इसका आउटपुट का टैप है दैट इज क्वाइट, वो तो ऊपर है. और दैट इज साइंटिफिकली बोलो, शास्त्रीय शब्द बोलो, दैट इज आबाधाकाल. जहां पर इनपुट तो हुआ और आउटपुट नहीं हो पाया तो वह एक्युमुलेशन कर गया वहां पर. और कुछ भी आश्चर्य नहीं, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं. खाली टंकी और टैप 1 फीट ऊपर है और 4 फीट की टंकी है. आप देखेंगे 5-6 घंटे के बाद आपको टंकी भरी मिलेगी. जिस प्रकार वहाँ होता है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी एक्युमुलेशन के दो कारण हैं. एक तो जब इनपुट हुआ था कर्म का, तुरंत आउटपुट नहीं हुआ था, यह आबादा काल हुआ, कुछ वेटिंग पीरियड आया. एंड जब रिलीज होना भी चालू हो गया, कर्म खिरना भी, तब भी एक साथ नहीं हुआ, वह निषेक रचना क्रम में हुआ. एंड देयरफॉर 1.5 गुना निरंतर स्टॉक में पड़ा रहता है. निषेक रचना क्रम भी कैसा होता है इसका भी थोड़ा उदाहरण समझे आप. पानी की बोतल को आप भरिए पूरी, और पूरी बोतल को आप एकदम उल्टी करिए. आप पानी कैसे गिरता है कभी नोट किया है उसका? पहले स्ट्रोक में ज्यादा गिरेगा, फिर दूसरे स्ट्रोक में उससे कम गिरेगा, थर्ड स्ट्रोक में उससे थोड़ा कम. एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है जहां पर रुक जाएगा पानी. तेल का डब्बा वगैरह होता है टिन 15 किलो का, आप उसको एकदम पलटाएंगे वो एक स्टेज आएगी ड्यू टू एयर प्रेशर, वो एकदम रुक जाएगा. आपको फिर उसको थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा. तो निषेक रचना क्रम ठीक उसी प्रकार होता है, इसलिए 1.5 गुना सत्ता में पड़ा रहता है. कितने जन फॉलो कर रहे हैं ये 5वीं गाथा में स्क्रिप्ट बता रहा हूँ आपको. लेकिन यहाँ पर और एक नई बात बोल रहे हैं. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वैसे? एक समय प्रबद्ध अंदर आते हैं, एक समय प्रबद्ध बाहर जाते हैं, और सत्ता में कितने पड़े रहते कह रहे हैं? 1.5 गुना नहीं बोल रही है. मैं तो आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा था. यहाँ पर कह रहे हैं 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध. गुणित मतलब मल्टीपल. लेकिन यहाँ पर 1.5 गुना समय प्रबद्ध नहीं बोलकर कह रहे 1.5 गुण हानि से गुणित. व्हाट इज 1.5 गुण हानि से गुणित? लेट्स सी. हालांकि मैंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका जब पढ़ाया था प्रॉपरली, जब भी मेरा मौका बनता है, अथवा गोमटसार कर्मकांड, तब मैंने बहुत डिटेल्स में इसको लिया है. फिर भी आपको समझ में तो आ ही जाएगा. अभी इमेजिन करो 1750 कर्म अंदर आए. कितने? इमेजिन करो 1750 कर्म अंदर आए हैं. ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स थोड़ा सा समझ लीजिए आप, है ना. आपको इंटरेस्टिंग भी लगना चाहिए, और फिर जीवन में दूसरा अवसर नहीं होगा कि आप इसको समझ पाएंगे. इस बहाने आप समझ रहे हैं. षटगुनी हानि वृद्धि जो आपने सुना है, क्या कहा? दिस इज नो हाउ रिलेटेड विद दिस 1.5 गुना हानि. इसका और उसका कुछ भी संबंध नहीं है. अच्छा, वो प्रश्न अराइज किया, नहीं तो मैं इसको बताने ही वाला था. 1.5 गुना हानि वृद्धि तो अगुरु लघुत्व से संबंधित है, और वह होता है 6 द्रव्य में. 6 द्रव्य की सभी गुणों की सभी पर्याय में 1.5 गुना हानि वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण स्वरूप अपनी वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित बना रहता है. 1.5 गुण हानि वृद्धि अगुरु लघुत्व नाम का सामान्य गुण है 5वां, जिसका काम है 1.5 गुण हानि वृद्धि. ये 1.5 गुण हानि वृद्धि नहीं है, ये केवल कर्म में होता है 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध. क्या है थोड़ा सा हम देखते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. 1750 कर्म अंदर आ रहे हैं. हाउ मेनी? 1750. अभी 1750 में से मान के चलिए आबादाकाल एक समय कंसीडर करिए आप. कितनी? एक समय. स्थिति आप कंसीडर करिए 31 समय. कंसीडर क्या करना है? 31 समय. एक समय उसका आबादाकाल निकल गया. नाउ लिसन. सो ऐसा कंटिन्यूस 10 समय में खिर रहे हैं. 1750 एक समय में आए थे अंदर, मेरा एक इमेजिनरी उदाहरण है. लेकिन इमेजिनरी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि फालतू है, ये बिल्कुल ऐसा ही घटित होगा. मैं इजी टू अंडरस्टैंड है.
तो 10 समयों में 100-100 खिरे. नाउ अचानक व्हाट हैपेंड, थोड़ा ट्विस्ट होकर 50-50 10 बार खिरे, फिर थोड़ा ट्विस्ट होकर 25-25 10 बार खिरे. कितने जन फॉलो कर रहे हैं? 1750 खिर गए बराबर 31 समयों में. नाउ नाउ जो एक चल रहा था स्लोप, जैसे 100-100 खिर रहे थे, दैट अचानक डिक्रीज्ड टू 50-50-50. दैट इज कॉल्ड गुण हानि, दैट इज कॉल्ड गुण हानि, एक ब्रेकेज. और फिर देन 50 के बाद जो 25 आया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गुण हानि. एंड 10 समय के लिए निरंतर वो बराबर समान समान जा रहे हैं, तो इसको कहेंगे गुण हानि आयाम. कितनी लंबाई जितने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रोक बना रहता है, वह लंबाई वह समय समय में लिया हुआ पीरियड, दैट इज कॉल्ड आयाम. गुण हानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध, ऐसी पूरी वर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए. इन्होंने शॉर्ट में लिखा, डेढ़ गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में पड़े रहते हैं. आप समझ रहे मेरी बात को? अभी मैंने एकदम शॉर्ट में क्या करके दिखाया आपको, सत्ता में डेढ़ गुना पड़ा रहता है, लेकिन एक्चुअली डेढ़ गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध पड़ा रहता है. मतलब वह हानि का आयाम, मतलब वो लंबाई कि कितने समय बाद वो चेंज होता है, स्लोप का डिग्री बदलती है, उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए इससे. अब समझ रहे थोड़ी थोड़ी बात? आइए हम निष्कर्ष पर आकर पहुंच गए इस दो लाइंस का. जितना इनपुट होता है उतना ही आउटपुट होता है, और मान के चलिए थोड़ी देर के लिए डेढ़ गुना फिर भी स्टॉक में कैसे पड़ा रहता है ये हमने देख लिया. और फिर जितना आता है उतना ही बाहर निकलता है, तो फिर निर्वाण कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी? तो 14 गुण स्थान में केवल निर्जरा ही निर्जरा होती है, और फिर 14 गुण स्थान का समापन, वह सिद्धावस्था का प्रथम समय, वह पर वो मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं. ये प्रकरण हमारा कंप्लीट हुआ. द्रव्यकर्म वो द्रव्यकर्म भावकर्म नौकर्म की चर्चा अपन उठा लेते हैं. अभी द्रव्यकर्म भावकर्म को, इस दो पैराग्राफ्स को अपन पूरा करते हैं. देखिए यदि संभव होगा 2-3 मिनट में तो थोड़ी सी बात कर लेते. देखिए, लिसन नाउ एवरीवन, मैं 2-3 दिन पहले ये कह रहा था, आपको याद होगा तो, खरेखर भावकर्म किसका नाम? मैं ये कह रहा था खरेखर जो द्रव्यकर्म का अनुभाग है, खरेखर वही भावकर्म कहलाता है. याद आ रहा है मैं कह रहा था ऐसा कुछ चल रहा था, याद आ रहा है? क्योंकि वस्तु स्वचतुष्टयात्मक है, वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक है, तो भाव द्रव्य से अलग कैसे रह सकता है? तो द्रव्य कर्म, क्षेत्र कर्म, काल कर्म, भाव कर्म, वस्तु इस रूप होती है. क्या कहा मैंने? द्रव्य कर्म, क्षेत्र कर्म, काल कर्म, भाव कर्म. बट क्षेत्र कर्म और काल कर्म को गौण किया जाता है. व्हाई इज इट सो? क्षेत्र को द्रव्य में गर्भित किया जाता है, क्योंकि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध का कारण एक ही है, योग. देयरफॉर क्षेत्र कर्म को द्रव्य कर्म में गर्भित किया. एंड सिमिलरली यहां बोलिए, कोई अभी बोल के दिखाइए, कंप्लीट करिए. काल कर्म को भाव कर्म में गर्भित किया जाता है. क्यों? स्थिति अनुभाग का कारण एक ही है, और दूसरा कारण यह भी तो है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट द्रव्य और भाव होता है, इंपॉर्टेंट ज्यादा बोलिए क्षेत्र और काल नहीं हुआ करता. जैसे हम कहते मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, तो हमने दो चीजें बोली, कौन कौन सी? द्रव्य और भाव. हमने काल का चर्चा की नहीं, और ना क्षेत्र की चर्चा की, क्योंकि काल तो सबका आना दिन ही दिन, उसकी क्या चर्चा करना. और क्षेत्र कम ज्यादा भी होता तो उससे क्या फर्क पड़ता? फर्क तो कम ज्यादा गुण होते तो फर्क पड़ता. आगे बढ़ता हूं मैं, तो मैं ये कह रहा था खरेखर भाव कर्म तो द्रव्य कर्म का ही अनुभाग शक्ति होता है, बट जीव उसको जैसा रिएक्ट करता है राग द्वेष रूप, उसको भाव कर्म कहने में आता है, और ज्यादा प्रचलन उसी का चलता है. अभी यहां पर भी ये हेतु दिया जा रहा है कि द्रव्य कर्म किसको कहना, भाव कर्म किसको कहना. कहते हैं द्रव्य कर्म पुद्गल उदय रूप, जो पुद्गल कर्म है उनको द्रव्य कर्म कहना, क्योंकि वो पुद्गल रूप है. और जो क्रोध आदि भाव है उसको भाव कर्म कहना, क्योंकि वो जीव रूप है. ऐसे हेतु दे रहे. कुछ समझ रहे क्या कह रहे? समझ रहे?
द्रव्य संग्रह पढ़ा है हमने, चूलिका पढ़ी है, लगभग 26-27 गाथा के बाद एक चूलिका थी, आई थिंक 25 गाथाओं के बाद चूलिका थी, उसमें 6 द्रव्यों का विभाजन किया था, जैसे चेतन अचेतन में विभाजन किया, मूर्ति का मूर्तिक में, आपको याद आ रहा होगा, कारण कार्य में भी किया था, आपको याद आ रहा होगा कारण अकारण आदि। एक क्राइटेरिया ये भी था 6 द्रव्य के विभाजन में, द्रव्य और भाव, आपको याद आ रहा होगा शायद। तो तब वहाँ पर बताया गया था केवल आत्मद्रव्य भावात्मक है और बाकी के 5 द्रव्य द्रव्यात्मक है। खरेखर तो सभी द्रव्यात्मक है, सभी भावात्मक है, बट राग द्वेष रूप होना, वितराग भाव होना, सुख दुख का वेदन करना, इसको भावात्मक माना जाता है लोक में, देयरफॉर जीव को भावात्मक माना जाता है। उस न्याय से राग द्वेष को भाव कर्म बोला गया और ये कारमन वर्गणा को पुद्गल होने से उनको द्रव्य कर्म बोला गया है। आइए एक पैराग्राफ हम देखते हैं, आइए। तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न हुआ कार्य है, इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है। गेटिंग, कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को। तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोध आदि रूप जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न हुआ कार्य है, इसलिए उसका नाम भाव कर्म है। द्रव्य कर्म क्यों कहना, भाव कर्म क्यों कहना, बस बताया जा रहा है। द्रव्य कर्म क्यों कहा, क्योंकि पुद्गल है। भाव कर्म क्यों कहा, क्योंकि जीव के पर्याय है। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है, भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म होता है, तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इस प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र परिभ्रमण होता है। हमने बनाया था, याद आ रहा है, 2-3 दिन पहले हम बना रहे थे, फिर चक्र के भेदन का अवसर कैसे होगा उसकी भी बात कर रहे थे। अपने काम करते ही यहाँ तक तो अपन आए हैं, इसका विशेष खुलासा अपन अगले पीरियड में करेंगे और उसी प्रकार कंटिन्यूएशन में भी अपन आगे बढ़ेंगे। फिर ओम नमः।